ना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार। एक मिनट, अरे बहुत बेकार गाड़ी, रस्सी बांधने यार, वो एप्स नहीं अपना करने। नहीं भैया, हाथ मत लगाओ। ये क्लियर कर लेना कि ये कुलदीप पहना था कि मतलब दो तो पहना हुआ ही था यार, पहना हुआ था। ये है छोटी, ये समझ में आ रही है। हाँ ये सामने से, और ये इसी वहाँ पे साइलेंस आ गया। हाँ यार, सांस चल रही है, कुछ तो होगा। जो है आपका परिवार का, सर कितने बच्चे हैं इसके? दो बच्चे हैं। कितने बड़े बच्चे हैं? चार पाँच साल से। दोनों जुड़वाएं क्या? साल का बच्चा है, दो तीन साल की लड़की है। दो तीन साल की बच्ची है और चार पाँच साल का बच्चा है इसको। ये कहाँ ड्यूटी से महाकाल से दर्शन, प्रसाद देखा आपने? प्रसाद और ये डेट ये देखा आपने, तो क्या लग रहा है कहाँ से आ रहा था ये? उज्जैन गए और महाकाल के दर्शन करके उधर से वापस आ रहे थे, उस टाइम ये हादसा हुआ। जो उसके साथ में दोस्त थे वो बाहर से आया है वो? हाँ, वो उसके साथ में पता चला काम करता था, दोनों साथ में गए थे। नाम है आपका और दुर्घटना किन की, वो आपके कौन थे? हमारा कजिन है, परिवार ब्रदर है मेरा। क्या नाम है? कुलदीप सिंह पवार। कितनी उम्र थी उनकी? 28 साल। और दूसरा? दूसरा उसका कोई मित्र है, उसके साथ में काम करता है। उसका नाम? उसका नाम शायद सोनी होनी, प्रदीप सोनी बता। अच्छा, क्या उम्र है उसकी भी? उसकी भी यही 25-26 साल का। कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे वो? एक्चुअली क्या, घर से सुबह निकला था, अब उसके बाद में पता नहीं कहीं घूमने गए या कहीं महाकाल के दर्शन करने गए, तो हमको बाद में शाम को पता चला कि उनका यहाँ एक्सीडेंट हो गया है। अच्छा, क्या एक्सीडेंट है, क्या मालूम पड़ा दोनों का, क्या हुआ दोनों का? तो फिर हम एनजी में आए तो पता चला कि एक्सपायर हो गया। ये हो गई। आपका शुभ नाम क्या पूरा? राजन सिंह पवार। सर बताएं, आपका थाना क्षेत्र में कोई एक्सीडेंट हुआ, दो की मौत हुई है, क्या है पूरा मामला? हाँ यार, दो युवक जो है एक मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होकर मृत हो गए हैं, और इस संबंध में भी थोड़ी देर पहले की घटना है। दोनों शवों को यहाँ मर्चरी में पहुँचा दिया गया है और एक मृतक के परिवारजनों की ओर से रिपोर्ट लेकर अग्रिम कार्रवाई इसमें की जा रही है। सर किस क्षेत्र, आपने छाना क्षेत्र में किस जगह की घटना है पूरा? ये बैरागढ़ का जो पुल पड़ता है हाईवे वाला, उस पुल के ऊपर की घटना। सर किस टाइम की घटना लगभग? एक्सीडेंटल प्रतीत होती है।